हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल से परफेक्टली इम्परफेक्ट। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आ गई हूँ एक और रिव्यू वीडियो के साथ, और आज का रिव्यू वीडियो होने वाला है एक हेयर केयर प्रोडक्ट के बारे में। अभी क्या होता है कि मॉनसून जैसे या सीजन जैसे भी चेंज होता है ना, सबसे पहले इम्पैक्ट जिसको पड़ता है वो होता है हमारे हेयर, क्योंकि जब भी आप ट्रांजिशन सीजन में मूव करते हो तो हेयर पे इम्पैक्ट पड़ता है और हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो ऐसे टाइम पे हमको अपने हेयर की केयर करने की और ज्यादा जरूरत है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ। क्योंकि जब भी हम हेयर केयर की बात करते हैं, हेयर ऑयल के बाद जो पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वो होती है शैम्पू कंडीशनर। अगर शैम्पू कंडीशनर आपका अच्छा होना तो आपके बाल काफी फ्रीजी फ्री रह सकते हैं, और आपके बालों को वॉल्यूम मिल सकता है, प्लस आपके बालों को प्रॉपर मॉइस्चर मिल सकता है। तो बहुत सारी चीजें शैम्पू पे डिपेंड करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक हर्बल ब्रांड के बारे में और उसके दो वेरिएंट्स के शैम्पू के बारे में, जो कि है ये। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हर्बल एसेंस का आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को शैम्पू रेंज एंड देयर हाइड्रेट कोकोनट मिल्क रेंज। ये दोनों ही रेंज के मार्केट में बहुत सारे रिव्यूज अवेलेबल है, बट मैंने फिर भी सोचा कि मैं इसका रिव्यू बनाऊ, क्योंकि इसके बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यूज मुझे मिले थे जब मैंने ये शैम्पूज को परचेज करने का सोचा था। तो जब मुझे कंफ्यूजन हो गया था तो आपको तो हो ही रहा होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों परचेज कर लिया जाए और दोनों को ट्राई करके देखा जाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑलमोस्ट हाफ मैंने फिनिश कर दिया है, सिमिलरली इसको भी मैंने हाफ फिनिश कर दिया। तो दोनों को मैंने ऐसा किया था, पहले इसको हाफ यूज किया, फिर आई थॉट कि चलो ये वाला यूज करना स्टार्ट कर देती हूँ, तो मैंने इस तरीके से दोनों को परचेज किया। हाँ, इसको मैंने सेल पे लिया है, इसका प्राइस 650 रुपीज है, आई थिंक यस 650 रुपीज फॉर शैम्पू एंड 650 रुपीज फॉर कंडीशनर। से बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं इसको लेके, तो आप इनको नायका के सेल पे ही परचेज करना, ठीक है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। उसके अलावा हाँ, इसका क्वांटिटी मुझे सबसे अच्छा लगा कि यार आपको 650 रुपीज में 400 ml ऑफ क्वांटिटी मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। हमेशा शैम्पू को डाइल्यूट करके यूज करना, अगर डाइल्यूट करते हुए पानी मिला के यूज करते हो तो ये शैम्पू आराम से आपके 2-3 महीने लास्ट करने ही वाले हैं मिनिमम, ठीक है। तो क्वांटिटी वाइज, पैकेजिंग वाइज इट्स वेरी सिंपल, मतलब अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, आपको कहीं पे इसको पोर करना है छोटी बॉटल में, तो ये इतना इजी है, इसका कैप बस निकालो पोर कर दो। तो मतलब कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने बनाने की कोशिश नहीं की है, दे हैव केप्ट इट रियली वेरी सिंपल। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पैकेजिंग अच्छा, प्राइस अच्छा, क्वांटिटी अच्छा। अब हम शैम्पू के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस शैम्पू रेंज के बारे में। तो ये हर्बल एसेंस की सबसे ज्यादा फेमस शैम्पू रेंज है, जो कि है हर्बल एसेंस आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को, जिसको लिक्विड गोल्ड ऑफ मोरक्को भी कहते हैं, क्योंकि आर्गन ऑयल के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। आर्गन ऑयल के बारे में बताऊं, आर्गन ऑयल में फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके हेयर का मॉइस्चर जो होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प होते हैं। आर्गन ऑयल से हमारे बालों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारे बालों की फ्रिजीनेस कम होती है, तो मतलब बहुत सारे बेनिफिट है, गिनना कम पड़ जाएगा, इतने बेनिफिट्स हैं इसके। तो ये इनका की इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा इन्होंने विटामिन ई भी ऐड किया हुआ है इसमें, जो और एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि ये जो है वो कलर, लाइक अगर आपके कलर ट्रीटेड हेयर है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, ये कलर सेफ है, क्योंकि इससे आपका कलर जो होगा वो फेड नहीं होगा अगर आपने बालों में यूज किया हो। मैक्सिमम हर्बल प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें यही प्रॉब्लम होता है कि यार वो कलर आपके जो आपने ट्रीटेड हेयर, और आजकल सबके ट्रीटेड हेयर होते हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे इनकी लगी थी। हम बात कर लेते हैं कि ये शैम्पू मुझ पे कैसे वर्क किया और मुझे क्या फायदा हुआ ये शैम्पू यूज करने के बाद। तो आपको पता है, अगर आप मुझे लॉन्ग टाइम से फॉलो करते हो तो आप जानते होंगे कि मैं शैम्पूज को लेके इतना ज्यादा ट्राई नहीं करती हूँ, या इतने एक्सपेरिमेंट नहीं करना पसंद करती थी पहले, बट देन आई रियलाइज कि क्यों नहीं, मतलब करना चाहिए। तो समय के साथ कुछ चीजें आप सीखते हो, जो मैंने सीखी। तो मैं पहले यूज कर रही थी ऑप्टिकेयर मैट्रिक्स का, जिससे मेरे बाल बहुत स्मूथ रहते थे, तो मैं स्पेसिफिकली वही शैम्पू देख रही थी, क्योंकि मैं बहुत पहले केराटिन और स्मूथनिंग करा चुकी हूँ, एंड अब तो मेरा फुल लेंथ ग्रोथ हो चुका है केराटिन का, स्मूथनिंग का आफ्टर दैट, तो अभी मेरे को थोड़ा फ्रीजीनेस का प्रॉब्लम रहता है बालों में, पहले नहीं था बट अभी है। तो फिर मैंने इसी के कारण ये वाला शैम्पू यूज करना स्टार्ट किया था, तो इसके रिजल्ट्स क्वाइट गुड, ठीक है, मुझे ऐसा कुछ बहुत एक्सेप्शनली अच्छा नहीं लगा, बट बहुत खराब भी नहीं, मतलब एक ऐसा शैम्पू है जिसको आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो। क्योंकि इसके बाद एक चीज मेरे साथ हुई, मेरे क्या है बहुत वेवी हेयर है, ठीक है, तो क्या होता है कि फर्स्ट डे जब मैं वॉश करती हूँ तो एकदम वेवी वेवी हो जाते हैं। इससे यही चीज अच्छी हो कि फर्स्ट डे वॉश करने के बाद भी मेरा वो जो वेवीनेस रहता था वो कम हो गया,
तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि फर्स्ट डे के बाद तो मेरे हेयर मैनेजेबल होते ही नहीं है, तो फर्स्ट डे के बाद मेरे हेयर मैनेजेबल थे। ये मुझे इस शैम्पू से अच्छा लगा। इसका कंडीशनर इज माइंड ब्लोइंग, चाहे आप इसकी बात कर लो चाहे आप कोकोनट वेरियंट की बात कर लो, इसके कंडीशनर बहुत अच्छे हैं, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं कंडीशनर के, एंड इसका शैम्पू इज ऑल्सो क्वाइट गुड। ठीक है, बट मैं अभी पहले कोकोनट वाली की बात कर लेती हूँ, फिर मैं दोनों में कंपेयर करके बताऊंगी कि मुझे बेटर उन दोनों में कौन सा। तो हम बात कर लेते हैं इसके कोकोनट वेरिएंट में। इसका की इंग्रेडिएंट है कोकोनट। कोकोनट आपको पता है कि इसके कितने हेयर बेनिफिट्स हैं। अगर आपके वॉल्यूम कम है, आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, अगर आपके बालों में बाउंस कम है, तो आप हमेशा कोकोनट ऑयल या कोकोनट से रिलेटेड हेयर मास्क या शैम्पू यूज कर सकते हो। तो सिर्फ यही सोच के मैंने कोकोनट वाला इसका वेरियंट यूज किया है। एंड एक्चुअल में टेक्स्चर में तो कोई डिफरेंस नहीं है शैम्पू के, बट एक्चुअल में रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसके बाद जो मुझे वॉल्यूम मेरे बालों में फील हुआ ना, दैट इज क्वाइट फैबुलस सीरियसली। ये वाले ठंडी के मौसम में यूज करा, ठंडी में आपके बाल कितने ज्यादा फ्रीजी होते, करेक्ट, उसके बाद भी मेरे को फ्रीजीनेस नहीं थी। तो मेरे को पर्सनली ये वाला वेरियंट तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया इसका, एंड वर्थ है ये प्राइस शैम्पू का डेफिनेटली, मतलब 100%। बस हाँ, एक चीज जरूर है कि इसके शैम्पू जो है वो पैराबिन फ्री है बट सल्फेट फ्री नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा माइंड में स्ट्राइक करता है कि यार नहीं, सल्फेट फ्री होना ही चाहिए शैम्पू को, सल्फेट के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। बट बहुत सारे मैक्सिमम शैम्पू मार्केट में होते हैं जिनमें सल्फेट होता है बट पैराबिन नहीं है। तो उस हिसाब से मैं तो पर्सनली ये शैम्पू यूज करने वाली हूँ आगे भी, क्योंकि यार मुझे इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे मिले। अभी मैं यही वाला यूज कर रही हूँ, एंड आप सोचो मैं फर्स्ट डे पे वॉश किया है। मैं आपको कहीं पे अगर मेरे को पुरानी फोटोज मिलेंगी, ये इतने वेवी हो जाते हैं ना फर्स्ट डे पे, मैं क्या बताऊँ। लेकिन आज ये बहुत मैनेजेबल है इसकी वजह से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये शैम्पू। इन टोटल अगर मैं दोनों शैम्पू की बात करूँ तो मैं पर्सनली कोकोनट वाला रीपर्चेज करूंगी। हाँ, मैं ब्लू वाला भी रीपर्चेज कर सकती हूँ। ब्लू वाला मेरी मॉम को बहुत पसंद आया था क्योंकि उनके बालों का टेक्सचर मेरे बालों के टेक्सचर से थोड़ा सा अलग है, तो उनको ये वाला ज्यादा पसंद आया था, बट मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया। अभी मैं सोच रही हूं मैं इसका एक पिंक वाला जो वेरिएंट आता है वो भी ट्राई करूं। आई थिंक वो कलर ट्रीटेड हेयर के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन हुआ है, तो मैं सोच रही हूं उसको ट्राई करने का। मैं डेफिनेटली वो ट्राई करूंगी और उसका रिव्यू भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बट पर्सनली अगर आप ये परचेज करना चाहते हो तो प्लीज गिव इट अ ट्राई वंस, मतलब ये एक बार तो ट्राई करने का वर्थ है ही। प्लस क्या कहते हैं, आप चाहो तो सिर्फ शैम्पू कंडीशनर एक बार साथ में ही परचेज कर लेना, क्योंकि उसके दोनों के साथ में रिजल्ट ज्यादा अच्छे हैं। एंड कंडीशनर तो काफी लास्ट करेगा आपको, जितना शैम्पू नहीं करेगा, क्योंकि इतना कंडीशनर तो लगता भी नहीं है। तो इन टोटल क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, प्राइस वाइज एंड रिजल्ट वाइज मैं पर्सनली इसको 9 out of 10 दे दूंगी। ये मेरे तरफ से है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब कर देना। आप चाहते हो कि मैं ऐसा कोई और प्रोडक्ट ट्राई करूं, मुझे जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे फिनिश कर देते हैं वीडियो को ताकि हम नेक्स्ट टाइम जल्दी से मिल सके। और एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ। बाय बाय।